दोस्तों आज हम इस वीडियो में एक ट्रांसफार्मर लेस इन्वर्टर और ट्रांसफार्मर वाले इन्वर्टर पे टेस्टिंग करेंगे सेम टाइम पे कि कौन पैनल से कितने एम्पियर से चार्ज कर रहा है, विनर कौन है, हीरो कौन है। कोई भी आप लोग बैक कैमरा से देख लो, कोई भी धूप आपको नहीं दिख रहा है, एकदम धूप का नामो निशान नहीं है, कुछ भी नहीं है। और दोनों पैनल पे दोनों इन्वर्टर पे पैनल सेम लगे हैं, आठ पैनल इस पे, आठ पैनल इस पे, कोई चीटिंग नहीं है, कोई इसमें थोड़ा नहीं है। मैं मल्टीमीटर भी देखो यहाँ पे, मैं क्लैंप मीटर भी यहाँ पे मैं लिया हूँ और मैं इसको लाइव टेस्ट करूँगा, कोई धोखाधड़ी नहीं, कहीं वीडियो पूछ भी नहीं करूँगा। और पैनल आपको पता है, अगर आप मेरे पुराने व्यूवर्स हो आपको पता होगा कि मेरे पास 16 पैनल हैं, टोटल 16 पैनल, 8 इस पे लगाए हैं, 8 इस पे लगाए हैं। कोई मैं इसमें चीटिंग करने वाला नहीं हूँ, लाइव टेस्टिंग करूँगा। तो चलिए, और यहाँ पे लोड भी कुछ खास नहीं है, 136 वाट समथिंग लोड है, ये तो नो लोड करंट होता है, मतलब कि इन्वर्टर का, तो इससे कोई मायने नहीं है। हम टेस्टिंग करते हैं और आपको लाइव दिखाते हैं। तो यहाँ पे पहले मैं दिखाता हूँ इसके डिस्प्ले पे, यहाँ पे इस समय 5 एम्पियर से ये चार्जिंग कर रहा है, आपके सामने दिख रहा है। अगर मैं यहाँ पे मल्टीमीटर क्लैंप मीटर में लगाता हूँ, यहाँ पे इसके वायर पे 5 एम्पियर आपको दिख रहा होगा। और यहीं पे अगर मैं इन्वर्टर के इसके डिस्प्ले पे दिखाऊँ आप लोगों को, तो यहाँ पे आप लोग थोड़ा सा ध्यान देना क्योंकि पैरामीटर थोड़ा से चेंजिंग बहुत स्लो होता है। अभी आपको मैं दिखा दूँगा, 7 एम्पियर से ये कर रहा है। तो यहाँ पे अगर मैं क्लैंप मीटर लगाता हूँ तो यहाँ भी आप लोग देखते हैं कि क्लैंप मीटर में 6 बता रहा है, डिस्प्ले पे 7 बता रहा है, मतलब कि डिफरेंस है। तो और ये 5 एम्पियर से कर रहा है। तो फ्रेंड देखो, पैनल सेम लगे हैं, सेम टाइम पे लगे हैं और इस पर 100 वाट के समथिंग लोड भी है, नो लोड करंट इस पर भी है, इसे 50 वाट का नो लोड करंट है, तो मतलब 40-50 वाट है। तो मतलब कि अगर मैं एक रियलिटी बताऊँ, टेस्टिंग बताऊं मैं अपना खुद का, तो फ्रेंड दोनों इन्वर्टर में जो एक मतलब कि सोलर पैनल के VOC को जो हाई मतलब कि जनरेट करना और बूस्टिंग फास्ट करना, तो लुमिनियस का जो इन्वर्टर है जो कंपनी ने क्लेम किया था इसमें आपका 30-35% तक फास्ट बूस्ट करेगा, तो बूस्टिंग ज़्यादा कर रहा है। और मैं ऐसा नहीं है कि मैं वीडियो में कुछ कट किया हूँ या कुछ मैं पुश किया हूँ या दिखाया हूँ, देखो जो रियल है वो आपको हम दिखाए हैं। अभी मैं आपको छत पे चलता हूँ, पैनल भी दिखाता हूँ कि मेरे पैनल 16 हैं और 8-8 लगे हैं। चलिए मैं आपको चलता हूँ छत पे और आपको पैनल दिखाता हूँ, कोई धूप भी नहीं है, वीडियो को पूरा देखना और कट मत करना। तो देख सकते हैं कि 4 पैनल इस छत पे हैं, 2 पीछे और 2 आगे, 4 हैं, आपको दिख रहा होगा। अब मैं चलता हूँ अपने सभी पैनल के पास, आपको दिखाता हूँ कितना है। देखते हैं 4 पैनल है, तो ये एप्रो का 3 पैनल है 550 वाट के, देखते हैं एप्रो का है, आपको मैं नीचे से दिखा दूँ, यहाँ पे ये पूरा एकदम 3 पैनल। तो आपने 3 एप्रो का देखा और लुमिनियस का देखो 5 है, 1, 2, 3 और 2, मतलब कि 4, 3, 7 और 7, 5, 12 पैनल। और 4 इधर आपको दिख रहा होगा UTL का, तो दिख रहे हैं कि ये 16 पैनल है और 8-8 का मेरा ग्रुप है, तो 8-8। अब देखो ये लुमिनियस का जो पैनल है ये हमारा 540 वाट का है, और मतलब कि 540 वाट के हमारे पास 4 पैनल हैं और 550 वाट के 16 पैनल हैं। तो मैंने जो है लुमिनियस पे जो पैनल लगाए हैं वो 540 वाट के 4 पैनल लगाए हैं और 550 वाट के 4 पैनल लगाए हैं। और न्यू इन्वर्टर जो ट्रांसफार्मर लेस है उस पर मैंने 550 वाट के 8 पैनल टोटल लगाए हैं, तो भी लुमिनियस का जो एम्पियर चार्जिंग है वो ज़्यादा है। तो इस तरीके से आपने देखा, कोई चीटिंग नहीं था। तो फ्रेंड लुमिनियस ने जो कहा था वो उसको पूरा करके दिखाया। तो ये है इसकी रियल लाइफ जो मैंने आपके सामने पेश किया। अब आप बताना कौन आपके लिए सही है, कौन आपके लिए गलत है। वीडियो कैसा लगा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना।